मंजिले मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये तो बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों एक छोटा सा थॉट था, मैं हूँ आपके साथ तारकेंद्र, अपना यूट्यूब चैनल एसके साइंस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सर्किल ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ का पार्ट टू, यानी कि उस पर हम बोले फिर क्वेश्चन कराएंगे आपको बहुत सी सर जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, यानी कि बोर्ड जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए अंत तक हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका ऊपर स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, हम भी क्वेश्चन पढ़ लें थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या पूछते हैं हमारा, दे दिया क्वेश्चन कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आपको पता है कि वृत्त का परिधि, परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल देख लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि क्वेश्चन फिर से थोड़ा पढ़ रहे हैं, देख लीजिए कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दोनों का मान समान है। प्रश्न से आ जाएंगे, बोल रहा है कि दोनों के मान क्या है, समान है, यानी कि परिधि और क्या है क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है हमारा समान है। तो बोल रहा है क्या ज्ञात करें, इसका वैल्यू निकाल कर रखिए, पाई से पाई खत्म हो गया, आर यहां पर दो तो एक आर खत्म हो गया, यानी कि त्रिज्या हमारा कितने आ गया जी, तो हमारा त्रिज्या आ गया दो मात्रक, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखिए, हम क्वेश्चन कल पर 10 क्वेश्चन कराएंगे, बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं, यहां पर लिखा हुआ ये क्वेश्चन 2015 और 17 में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं एक मिनट, क्वेश्चन दो देख लीजिए, क्वेश्चन दो बोल रहा है कि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का परिधि दिया है कितना, 88 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हमें इसमें पाई का वैल्यू पता होता है लेकिन आर का वैल्यू पता नहीं है, तो हमको परिधि है, परिधि से हम आर निकालेंगे, ठीक है। तो हमें परिधि क्या होता है, परिधि इसका होता है 2πr इक्वल 88 हो जाएगा। अच्छा यहां पर 2π हमारा गुणा में जाएगा, कम हो जाएगा भागा में, यानी कि r बराबर 88 बटा में 2π और r बराबर 88 बटा में 2 और पाई का कितना 22/7 हो जाएगा, तो 7 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। देखिए 22 × 88 2×2 = 4, 7×2 = 14, यानी कि हमारा r का वैल्यू कितना आ गया जी, 14 सेंटीमीटर हो गया इतना। और उसके बाद बोल रहे वृत्त का क्षेत्रफल, अब आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमें r पता करना था, r हमें पता हो चुका है। अब देखिए पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और r का वैल्यू कितना 14 है, 14 का स्क्वायर कर देंगे हम, यानी कि 14 × 14 7×14 गुणा करेंगे 14×28 28×56 = 6 28×56 = 6 कितना हो जाएगा हमारा 56×6 = 55 कितना हो गया 61, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 616। सब क्या इसका मात्रक है जी, इसका मात्रक है सेंटीमीटर और क्षेत्रफल का मात्रक याद रखिएगा, इसका होता है अगर सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिधि क्या होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और बोल रहा है कि उसका परिधि क्या होगी, ठीक है, यानी कि इसका त्रिज्या कितना है भाई 7 सेंटीमीटर, r का वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि इसकी परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो 2π का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है दोस्तों, r का वैल्यू कितना है 7, 7 से 7 ना कट गया, यानी कि 22×44 सेंटीमीटर का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन आ चुके हैं, एक टू टू क्वेश्चन बना रहे हैं जो तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बार, ठीक है। तो लास्ट बन रही जो कि आपको पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ठीक है, देखते हैं चारवां क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन चाह रहा है कि पढ़ लीजिए, सभी डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, देखते रहिए। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है और उसका परिधि दिया है, वृत्त का परिधि दिया है, कितना दिया है जी 22 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, हमें पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और यहां पर दिया 22 सेंटीमीटर। देखिए इधर मान 2 पाई गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि आर का वैल्यू हो गया 22 बटा में 2 पाई। अब यहां से निकाल सकते हैं 22 बटा में 2 और पाई का कितना है 22 बटे 7, तो 7 है नीचे तो 7 को कहां भेजे ऊपर चला जाता है, 22 से 22 कट गया, यानी कि आर का वैल्यू हो गया 7 बटा में 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का बात करेगा तो 1/4 हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के पहले कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है भाई 7/2 स्क्वायर के सुविधा लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि 7/2 इंटू 7/2, इसको कटा देंगे हम 7 से 7 कट गया, 11 2 का 22, 11 7 77 बटा में कितना है जी मेरी 2 4 का 8, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर। और क्या निकाला भाई हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, बड़े तेजी से चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कराना है आपको, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और हमारे चैनल सब जुड़े रहिए, और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो उस टॉपिक कमेंट भी करें और जो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका स्क्रीन पर सब आ रहा होगा क्वेश्चन बारी बारी से, देखते रहे स्क्रीन में क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और पूरा काम सूत्र पिछले वीडियो में दे चुके हैं, और उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में उसका वृत्त नाम से प्लेलिस्ट बनाकर डाला गया, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा त्रिज्या कितना दिया है भाई, त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और आपका थीटा दिया है कितना जी 60 डिग्री, तो बोल रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना भाई 60 बटा में 360 और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हमारे पास है जी 6, तो 6 × 6, चलिए 1 0 से 1 0 6 4 का 36, ठीक है इसको कराएंगे, 1 6 से 1 6 कट गया, अब 22 में 6 से 6 × 12 का जो 6 × 12 = 13 बटा में 7 इसको भाग दे देंगे हम तो कितना हो जाएगा 7 से इसमें भाग देंगे हम भाई तो 13 7 × 7 हो गया 6, ऊपर से आएगा 2 7 8 56 हो गया 6 10 देंगे तो 0 7 8 56 फिर 4 0 7 5 35 यानी लगभग 18.85 सब क्या में भाई सेंटीमीटर, तमाटा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका बुक में यहाँ भी आंसर तो यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर कर सकते हैं। ठीक है तो देखते रहिए पूरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिनकी इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनका त्रिज्या दिया गया है और बोल रहा है कि दोनों के
परिधि का योग एक नए त्रिज्या जो नए वृत्त बन रहा है उसका परिधि का योग है। जैसे कि हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रश्न, ये एक वृत्त हुआ जिसका त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ये एक वृत्त हुआ जिसका त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है ये 6 सेंटीमीटर था, इसको छोटा कर रहे हैं, इसका त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि दोनों के परिधि का योग एक बड़ा वृत्त के परिधि के योग के बराबर होता है, तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों वृत्तों का परिधि बराबर नए वृत्त का परिधि, ठीक है। फिर समझ लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन से पहले एक फिर से क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, दो वृत्त हो गया दोनों का त्रिज्या हो गया, लिख रहे हैं R1 दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर, R2 दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी इन दोनों के वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसके दोनों के योग क्या है, बराबर है, इसका परिधि इन दोनों के योग क्या है, बराबर है, तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों वृत्तों का परिधि बराबर नए वृत्त का परिधि, ठीक है, दोनों वृत्तों का परिधि बराबर नए वृत्त का, ठीक है, परिधि। चलिए दोनों दीर्घ वृत्त है, यानी कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, इसका r को क्या माने R1 और इसका वृत्त क्या होगा 2πr2 बराबर नए वृत्त का परिधि क्या होगा, वही होगा 2πr। चलिए इस दोनों में क्या कॉमन है भाई, ये दो हमारा कॉमन है 2π निकाल लिए, बच गया जी R1, तो R1 इसमें क्या बच गया जी 2π निकल गया, तो बच गया हमारा R2, मिल जाएगा R2, ठीक है। अब यहां पर हमारा आ गया 2πr, कोई परेशानी, इधर हमारा 2π गुणा करेगा तो कम हो जाएगा भागा में, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर 2πr बटा में 2π, ठीक है, 2π से 2π खत्म हो गया, यानी कि R1 का वैल्यू कितना है 8 और R2 वैल्यू कितना है जी 6 बराबर कितना है जी R 8 6, बोल सकते हैं कि R का मान कितना आ गया हमारा 8 6 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसका त्रिज्या ज्ञात कर, मैंने त्रिज्या से क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको देख लीजिए फिर समझा कर रहे हैं, कह रहे कि दो वृत्त है, एक बड़ा एक छोटा है, और दोनों के इनके दोनों का परिधि एक बड़ा वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, हम बोल सकते हैं कि दोनों वृत्तों का परिधि बराबर नए वृत्त का परिधि, इसका 2πr1 प्लस 2πr2 कर लेंगे, दो गए तो बराबर नए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, दोनों में क्या कॉमन है 2π, इसमें बच गया R1, इसमें क्या बच गया R2, 2π इधर गुणा में इधर चला गया भागा में हो गया, 2π से 2π कैंसिल, बच गया हमारा R1 प्लस R2 बराबर क्या पर R, R1 का वैल्यू कितना है जी है 8 और R2 का कितना है 6, यानी कि R बराबर 8 6 14, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दो को त्रिज्या दिया है, पिछला क्वेश्चन आए थे जब दो बगल साइन है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन देख रहा, इसमें जो सात में क्वेश्चन R1 दिया है, कितना दिया है R1 हमारे 14 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया है भाई हमारे दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, हम भूल गए क्वेश्चन वही है, तो कह रहे वही क्वेश्चन कि परिधि का योग ज्ञात करना है। चलिए बोल सकते हैं कि दोनों वृत्तों का परिधि, दोनों वृत्तों का परिधि बराबर नए वृत्त का परिधि, ठीक है। देखिए दोनों वृत्तों का परिधि 2πr1 प्लस 2π
आर टू बराबर टू पाई आर। कोई परसेंट नहीं आपको होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट में कि कहाँ परेशानी है, उसको हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। देखिए इस दोनों क्या कॉमन है, टू पाई कॉमन है, बच गया आर वन प्लस कैसे आर टू बराबर टू पाई आर। इधर टू पाई जाएगा तो भागा हो गया, यानी कि बच गया आर वन प्लस आर टू बराबर टू पाई आर बटा में टू पाई। टू पाई से टू पाई कैंसिल, बच गया आर वन प्लस आर टू, यानी कि आर बराबर बोल सकते हैं आर वन का वैल्यू कितना है जी 14 प्लस आर टू का वैल्यू कितना है जी 7, 14 7 21 ठीक है, यानी यहाँ का हो गया आंसर हो गया। देखिए इतना शॉर्टकट आपको मैथ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना आपको आसानी से बता रहे हैं, इतना आप कहीं भी पढ़ लिए कितना बुक पढ़ लिया ये विधि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको ध्यान से देखिए ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। देखिए क्वेश्चन 14 में आया है, 15 में आया है, फिर 14 में आया है, उसका फिर 13 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन है कोई जाए ठीक है, इसको देखिए 8 नंबर आ रहा है, इसी पर भी बन जाएगा। इसमें क्या दिया है जी 8 नंबर हमारा दे दिया 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यहां पर कर दिया 19 कर दिया और 9 सेंटीमीटर कर दिया, वही सब काम होगा। देखिए 2 पाई देखिए मिटा दीजिए हम करते हैं, यहां बच गया आर वन प्लस आर टू, उधर 2 पाई आर बटा में क्या चला गया, इधर गुणा की तरफ चला गया भागा में, 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, बस ये आर वन प्लस आर टू, आर वन का वैल्यू कितना है जी 19 प्लस आर टू का वैल्यू कितना है जी 9, बस गया आर, यानी कि आर का वैल्यू 19 9 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 3 बार आ चुका सेट में, ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाला होगा आपको एग्जाम में 2020 में, ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में भी आएगा ब्रिज से। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिया जाए, कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को सीधा कर पुनः उसे मोड़कर वर्ग बनाया गया, तो वर्ग की लंबाई ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या कितनी थी 28 सेंटीमीटर, और उसको सीधा करके एक वर्ग बनाया जाता है। चलिए कुछ इस प्रकार का है, क्वेश्चन हमारा कितना है जी, क्वेश्चन हमारा कब हो जाएगा हमारा 9 नंबर। एक वृत्ताकार तार है जिसको मोड़ा गया था, लेकिन इसको सीधा करके कि इसका वर्ग बनाया गया, क्या बना गया वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा में बराबर होता है प्रत्येक को 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। चलिए इस वृत्त की त्रिज्या दिया गया 28 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं इसके जो तार है इसको हम सीधा करके क्या बना दिया वर्ग, तो इस यही तार है भाई, इस तार को हमने क्या कर दिया सीधा कर दिया, यानी कि इसका परिमाप देखिए परिधि परिमाप परिमिति क्या होता है एक होता है, हम बोल सकते हैं कि वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों का होगा बराबर होगा, परिमाप परिमिति परिधि सबका होता है बराबर होता है, एक ही को बोलते हैं। अगर दे देगा क्वेश्चन में कि वर्ग का परिधि ज्ञात करें तो वहां पर क्या निकलेगा परिमाप निकलेगा, दे देगा वृत्त में कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करें तो हम क्या निकालेंगे परिधि निकालेंगे, तो ठीक है इसको देखते हैं। यानी कि तार तो हमारा उतना ही है ना जी, तो बोल रहा है कि जो वर्ग बना है उसमें भुजा ज्ञात करनी है, इसका त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, हम प्रश्न से आ जाएंगे यहां पर बोल सकते हैं कि वृत्ताकार तार का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। चलिए 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया जी 28 सेंटीमीटर, तो सच्चा होगा 28 बराबर 4 इंटू भुजा। देखिए 22 का 88 दूनी का 176 बराबर 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब अगर 4 हमारा गुणा में जाएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 176/4 इक्वल बच गया भुजा, इसको कटाएंगे 4 चौक का 16 यानी कि भुजा का मान जो हमारा है वो कितना आ गया जी 44 सेंटीमीटर हमारा का हो गया आंसर। इतना देखिए फिर से बोले कितना आसान, इतनी मेथड से आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा बनाया होगा ना आप कहीं पढ़े होंगे, इसे ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब चलिए क्वेश्चन आ गया हमारा बहुत ही अच्छा, 66 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त वाले, यानी कि वृत्त का पूरा परिधि जो है कितना दिया है 66 सेंटीमीटर। इसको देखिए ध्यान से, दस नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का टॉपिक का। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि 66 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि वृत्त है, एक वृत्त है जिसका परिधि कितना है 66 सेंटीमीटर, जिसका परिधि कितना है जी 66 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिधि जो है वृत्त का कितना है दीजिए 66 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कोई बात नहीं। चलिए हमें जो भी वृत्त देगा पहले उसका त्रिज्या पता होना चाहिए, वृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए, क्या पता नहीं है तो चलिए इसको पहले पता कर लेते हैं। त्रिज्या को परिधि दिया है, त्रिज्या पता कर लेंगे। वृत्त का परिधि कितना दिया है भाई, तो 66 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है परिधि का, 2πr बराबर 66, इधर 2π गुणा हो जाएगा तो भागा में, यानी कि r बराबर 66 बटा में 2π। चलिए r बराबर 66 बटा 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बटे 7, देखिए 7 आगे इनसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि r बराबर 66 बटा में इसको कटाया जाए 22 33 कट गया, यानी कि 33 गुणे 7 बटा में 22, इसको भी सॉरी यहां पर फिर कटा दे रहे हैं इसको, एक स्टेप और बढ़ जाए इस समय क्या जा रहा है भाई, बट्टा में 2 गुणे पाई का 22 बटे 7 आ जाएंगे, r बराबर 66 ऊपर चला गया 7 नीचे बच गया 2 गुणे 22, 22 तीन 66 70 का 21 बटा में कितना जाएगा मेरा 2 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिज्या है और बोल रहा है इसका वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/4πr² वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4πr² होता है, 1/4π के वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू कितना है भाई हमारा 21/2 स्क्वायर है, तो दो बार लिख देंगे 21/2 21/2 सात का 21 कट गया, 11 दूनी का 22 कट गया, अब इसको गुणा करेंगे अरे 33 में 21 गुणा करेंगे 21 63 बटा में 4 दूनी का 8, अब इसे 8 से भाग देंगे 8 64 बच गया हमारा जी 5 3 68 48 दसमलव देंगे 0 68 48 फिर 2 0 8 2 का 16 फिर 4 0 8 5 40 यानी कितना जाएगा 86.625 हमारा क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब काम है भाई सेंटीमीटर में और क्या निकाले यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकाला स्क्वायर लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बताइए कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइएगा, और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक हमारा सपोर्ट मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलते मिलते हैं अगले पार्ट में, एक पार्ट और लेकर आएंगे जो कि क्वेश्चन आपके लिए अच्छा और इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।